महंगाई का सामना करने के लिए आपको 2500 रुपए प्रति माह आपके खाते में जाएंगे, आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और आपको तेलंगाना में कहीं भी जाना हो बस की यात्रा मुफ्त में मिलेगी। गृह ज्योति योजना के तहत आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि आधे घंटे के लिए बोलते बोलते तीन बार बिजली चली गई। इंद्रम्मा इंडलू स्कीम के द्वारा जब आप घर बनाना चाहेंगे तो आपको जमीन मुफ्त में मिलेगी और 5 लाख रुपए मिलेंगे घर बनाने के लिए। और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों ने इस भूमि के लिए अपना रक्त दिया है, ये हमारी गारंटी है कि उन परिवारों के लिए कम से कम एक रोजगार दिया जाएगा। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकारों में और खासतौर से इंद्रम्मा के समय में बहुत लोगों को पत्ते दिए गए थे। मेरे दलित और आदिवासी भाई बहन, आपको वन का अधिकार जो है, वन अधिकार कानून आपके लिए लागू होगा और जो योग्य लोग हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। अंबेडकर अभय हस्तम स्कीम बनेगी जिससे एसटी और एससी परिवारों को 12 लाख रुपए की मदद मिलेगी। राज्य आरोग्य स्कीम बनेगी, राज्य आरोग्य श्री, इसमें आपको 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इसका मतलब है 10 लाख तक आपका इलाज फ्री में होगा। बुजुर्ग माताओं और भाइयों के लिए 4000 रुपए प्रति महीने मिलेगा। एक विद्या भरोसा कार्ड बनाएंगे नौजवानों के लिए, उस विद्या भरोसा कार्ड वाले नौजवान को 5 लाख तक शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। हम 2 लाख रोजगार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल खुलवाएंगे। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को जब उनकी शादी होगी तो 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मेरे माधिगांव माला और अन्य एससी जातियों के लोगों के लिए 3 नए निगम बनाए जाएंगे, हर निगम को 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे आपके भलाई के लिए। तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और अगर मैं इस मंच पे खड़े होकर आपको ये सब गारंटी दे रही हूँ तो इसका एक आधार है। हमने कर्नाटका में गारंटी दी, जब हमारी सरकार बनी तो 24 घंटे के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ में जो गारंटी दी थी वो पूरी हुई और कर्नाटका में जब पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें वो गारंटी जो हमने दी थी उनको तय किया गया और आज वो गारंटी लागू हो गई है कर्नाटका में।